अनुपमा ने एक तो बड़ी मुश्किल के साथ अपने जीवन के प्यार को पाया था और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी बितानी शुरू ही की थी कि इनके अपने ही लोगों से इनकी खुशियां देखी नहीं गई और इनके पति अनुज को मौत के घाट उतार दिया, जिसके कारण वो आज पैरालाइज हुए जिंदा लाश बने हुए हैं। पर अब और नहीं, अनुपमा का सब्र का बांध टूटने वाला है और अब वो इनके पति को जिंदा लाश बनाने वाले कपाड़िया परिवार के लोगों बरखा, अंकुश और अधिक से चुन चुन कर बदला लेगी। अब अनुपमा का बदला शुरू होने वाला है। बरखा, अधिक और अंकुश से एक एक करके वो बदला लेगी। डरी सहमी अनुपमा अब हिम्मत वाली बनकर पहले तो कपाड़िया बिजनेस और हाउस की वो मालकिन बन गई है, ये खबर सबको सुनाकर हैरान करेगी, जो कि इन तीनों के लिए गहरे सदमे से कम नहीं होगी। और फिर धीरे धीरे अनुपमा अधिक, बरखा और अंकुश को बिजनेस और घर दोनों से बाहर कर देगी और उनके किए की ऐसी सजा देगी जो वो मरते दम तक भूल नहीं पाएंगे। पर बरखा कहाँ चुप रहने वाली है, वो बीच बीच में अनुपमा को परेशान करेगी और अनुज की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। पर उसे पता है कि अनुज की इस हालत का कौन जिम्मेदार है, जिसे अनुपमा अब सलाखों के पीछे लेकर ही जाएगी। पर आने वाले एपिसोड में अब अनुपमा की जिंदगी में एक और दुश्मन आने वाला है, कपाड़िया परिवार का, जो अनुज और अनुपमा को अलग करने के लिए चाले चलेगा। लेकिन उससे भी अनुपमा निपट ही लेगी, साथ ही कपाड़िया बिजनेस को भी अच्छे से मैनेज करेगी, एकदम बिजनेस वूमेन की तरह। तो दोस्तों, क्या आप भी अनु के इस रूप को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।